एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अम्मी के घर गए हुए थे। अम्मी ने इस ट्रक के दूसरे तीसरे दिन हमारी दावत की थी, तो सबसे पहले उधर लेके चलती हूँ, फिर जो भी रूटीन का व्लॉग होगा आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। चलिए आइए जी, चलते हैं। वाह जी वाह, आज तो ब्लैक ड्रेस पहन के, आज तो ब्लैक ड्रेस पहन के आए मिस्सा मेरा। चलो डांस करके दिखा दो। खुश की नहीं हो रही है। चले आए अम्मी के घर का, आपको विजिट देती हूँ, एक छोटा सा टूर दे देती हूँ। इस तरफ इनका वॉशरूम है, ये भी वॉशरूम है, और ये जो है ना ये स्टोर है, और इधर मेरे भाई ने अपने रखे हुए हैं, वो इसको बड़े पसंद है, वो क्या उसको कहते हैं, कुकर वगैरह। और ये सारा इनका सीन है जी, ठीक है, सीन इनका काफ़ी बड़ा है ये देखें। फिर यहाँ से हम अंदर जाते हैं, ये इनका मेन डोर है ये वाला, और अंदर हम आ गए हैं जी। यहाँ पे जी ये अम्मी का कमरा है, ये देखिए, ये अम्मी का कमरा है, और ये देखिए ये है शकायना की फोटो अम्मी ने लगाई है, ये अम्मी और शहजेब है, ये देखो जी, ठीक है जी, ये अम्मी की एलसीडी है, अम्मी ड्रामे देख रही है, ये इनका जी बरामदा है, उसमें इन्होंने ये फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज के ऊपर इतने सितारे हैं, ये पता नहीं किसने लगाए हुए, शहजेब के काम है लगता है। फिर ये शोकेस जो है ना ये बहुत पुराना है, ये मेरी नानी के दौर का शोकेस है जो अम्मी ने अभी भी संभाला हुआ है। और फिर इस तरफ आ जाएं तो ये जी मेरी भाभी का कमरा है अभी बस, ये देखिए, ये देखें जी, ये एलसीडी ऊपर लगी हुई है, वो देखें, वो शहजेब है जी, और ये एरिक एडम और शकायना की बर्थडे की पिक्चर लगाई हुई है। और ये देखें गाइस, ये मेरे अब्बू हैं, और ये देखें मेरी अम्मी और मेरे अब्बू की तस्वीर है ये, जब ये जवान हुआ करते थे। ये देखें, ये भी मेरे अब्बू की पिक्चर है, ये देखें, और ये भी मेरी अम्मी और अब्बू हैं, और मेरे अब्बू मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। और ये पता नहीं बाकी डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई हैं, वो देखें ऊपर भी एक पिक्चर हमारी लगी हुई है, मैं, शहजेब, शकाइना, इमरान और अम्मी, और तो बैरिकेड नहीं थे। और ये वाली पिक्चर भी बहुत पुरानी है जी हमारी, अम्मी के घर में बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, ये स्टैचूज भी बहुत पुराने हैं। और फिर जब हम यहाँ से निकलते हैं तो ये किचन है जी, ये देखिए, ये सारा इनका किचन है, छोटा सा क्यूट सा किचन है, बड़ा अच्छा सा, ये देखिए। और ये आटे वाली ड्रमी भी इतनी पुरानी है गाइस, लेकिन अम्मी इसको धो के और आटा इसी में डालती हैं। मैंने अम्मी को बड़ी दफ़ा बोला है, अम्मी ये चेंज कर लो अब, ये देखें ये टूटा भी हुआ है। तो ये आटे वाली ड्रमी है हमारी, वो बड़ी पुरानी है, ये देखें। अम्मी के घर में बड़ी अच्छी पुरानी पुरानी सी चीज़ें हैं, जब मैं कुंवारी होती थी, ये देखें टोकरी तब की है जब मैं कुंवारी होती थी, अभी भी अम्मी ने धो के चमकाई हुई है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो पता नहीं किधर किधर है। ये
जो बेल है ना ये भी बहुत पुरानी है गाइस, तकरीबन इसको हो चुके हैं कोई 20 साल। यहाँ पे जी हम सब लोग बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पे जी खाना भी आ चुका है। ये जी चावल हैं, ये महक ने चिकन बनाया हुआ था, आलू गोश्त का सालन है साथ। ये जी चटनी है, ये सैलेट है, साथ में रोटियाँ थी और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी जी। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था। मीठे में जी खीर बनाई हुई थी ड्राई फ्रूट के साथ, और खीर भी हमने खूब मज़े ले लेके खाई। गाइस खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया, अभी हम लोग घर की तरफ वापस जाने लगे हैं। खाना महक ने बहुत अच्छा बनाया था जी, बड़ा मज़ा आया। ये जी नेक्स्ट डे है, बहुत अच्छी धूप लगी हुई थी, और ये देखें जी ये लेडी बग है, और इसको मैं अभी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। दो हैं देखें, एक उस कली पे बैठी हुई है और एक इस तरफ थी, और वो वाली तो गिर गई, तो इसको फिर मैंने पकड़ने की कोशिश की है। ये देखिए जी, ये बचपन में हम लोग हाथ पे रख के इसको कहते थे अच्छा जी अब उड़ जा उड़ जा, अगर ये उड़ गई तो समझे जी बहुत अच्छा काम हो गया, ना उड़ी तो समझो जी आपका दिन नहीं अच्छा गुजरेगा। तो इस तरह की हरकतें बचपन में हम लोग किया करते थे, तो वही चीज़ें मुझे अभी भी याद आई, तो मैंने इसको हाथ पे रखा। मैंने कहा देखती हूँ ये उड़ती है कि नहीं, तो ये तो उड़ी नहीं थी रही, ये इधर उधर ही घूमी जा रही थी। ये देखिए ये बड़ी क्यूट सी लग रही थी, अब मैंने कहा ये अब गिरी, ये देखिए नीचे गिर गई है। और गाइस ये देखिए ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्होंने ये ग्रो हुए हैं, तो ये लाइट पर्पल कलर के फूल थे, डबल शेडी रहेंगे, बड़े बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो ये देखिए मैंने सोचा आप उनको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, तो बाहर का मौसम आ चुका है और हर तरफ रंग बिरंगे फूल हैं जी, और यहाँ पे येलो कलर के हैं, रेड कलर के भी फ्लावर्स हैं, और कुछ गुलाब के जो पौधे हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। और ये जी किचन का चूल्हा है, इसको आज मैंने अच्छे से धोया है, और ये देखें इसके सारे पेच खोल के ये कितना मैंने अंदर से गंद निकाला है। ये जब बैरिकेड में पैदा हुए थे तब हमने ये चूल्हा लिया था, तकरीबन 7 साल हो चुके हैं इसको, और ये देखिए अभी भी नया का नया है जी। गाइस तो ये है नेक्स्ट डे, और वो ये भी गर्मी की आमद आमद है जी, और हमने अभी खोलनी है पेटी। तो बचपन में जब अम्मी मेरी पेटी खोलती होती थी, तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड होती थी कि पुराने कपड़े अंदर से निकलेंगे, अम्मी के कपड़े निकलेंगे, और देख देख के फिर हम लोग खुश हुआ करते थे। तो इसी तरह आज मेरे बच्चे भी हैं, तो जब मैं पेटी खोलती हूँ तो वो जो अभी गर्मियों के कपड़े निकलेंगे वो देख देख के बड़े राजी होंगे, बड़े खुश होंगे। अच्छा मामा ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। तो बस अपने बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो चलिए जी खोलते हैं पेटी। लियो को मैंने बाहर बांध दिया है, क्योंकि अकेले तो मुझसे खुलनी नहीं थी, तो हेल्प के लिए किसी को बुलाया हुआ है, तो बस वो आ जाती है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई धूप में काम करना है, उससे पहले लगाएंगे जी सन ब्लॉक, क्योंकि मेरे मुख पहले बड़े निशान वगैरह पड़ रहे हैं, तो बार बार के सन ब्लॉक लगाऊंगी। हालांकि आधा काम मैं धूप में कर रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि नहीं सन ब्लॉक लगाना है। क्योंकि वो पूरे दिन का काम होता है, बाहर धूप जो है बहुत तेज है। ये देखिए जी मेरे मुंह पे लग गया सन ब्लॉक। तो चलिए चलते हैं जी। लियो
मिया को इधर आपने बांध दी है, क्योंकि ये वो शरारती कुत्ता है, इसलिए इसको बांधा है। लियो को जी हमने बांध दिया था क्योंकि ये बहुत शरारती है और इसने हमें बहुत तंग करना था जी। जो पहले हमने उतारना है और उसके बाद फिर गर्म कपड़े निकाले रखेंगे और दूसरे वाले निकालेंगे, तो ये सबसे बिग टास्क होता है। गाइस, जब हम लियो को लेके आए थे, इस केज में लेके आए थे, और अब देखिए जरा, इसने पूरा आना है इसमें, इसका तो मुंह भी पूरा ना आए अभी इसमें, ये देखे। इतना छोटा सा बेबी था जब ये आया था ना, तो अब देखे जरा, अब इसको देखे जरा, ये देखे, अपने साथ रखो ना, ये देखे। वो डिब्बे से बड़ा हो गया। जी गाइस, ये सारे कपड़े जो हैं फिर हम लोगों ने कुछ जो रखने वाले थे वो रखे और फिर अलमारियों में सेट किए, तो पूरा दिन बस इसी में हमारा गुजरा और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी इसके बाद। तो इसी के साथ गाइस, मैं व्लॉग का एंड करूँगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है जी। टिल देन टेक केयर, बाय।